iko sawa musi nashije kukutamania barabara nje ku muryango wawe. Okay mama, nzobagira Felix, salama patro. Salama bos. Barigani papa. Suri sana bos. Okay, karibu. Karibu sana. Okay. Tijak bhai, salam alaikum. Waalaikumussalam. Jawed bhai कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं डेली आता हूँ, आप पहचानने वाला नहीं है. दिल से याद करो, मैं डेली आऊँगा. जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. और मुझे कुछ सामान चाहिए मंथली ग्रॉसरी के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे दिखा दें, मैं थोड़ा सा ये कर ले रहा हूँ. फिजाक भाई, मंथली ग्रॉसरी चाहिए मुझे, एक महीने का जितना भी राशन वासन जाता है मेरा, आप प्लीज़ एक एक करके निकाल दें. यायू तैयारी पोले पोले. ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. चावल हो गया. ओके ओके. शुगर कितनी, 2 किलो डाल दूं? जी कर दें, 2 किलो कर दें. अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल भी? जी मस्टर्ड ऑयल भी डाल दें. कभी लगता है, कभी फिश फ्राई करते हैं और भी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़रूरी है. जी ओके, डाल दीजिए. व्हाइट चना चाहिए 1 किलो. अच्छा, 2 पैकेट चाहिए, डाल दीजिए. ठीक है, चलेगा. हाँ, मैक्रोनी डाल दीजिए और मैगी भी हो तो डाल दीजिए. नहीं, हाँ, आपने अगर आप फ्री देना चाहते हैं तो दे दीजिए. मसाला चिकन मटन और वेजिटेबल शाम का है. अच्छा, माशाल्लाह. और वेजिटेबल मसाला है. हाँ, ये वेजिटेबल मसाला. और ये लाहौरी फिश, ये जो मछली का मसाला है ना, ये सामने ये दे दीजिए. इधर देखिए, हाँ, ये लाहौरी फिश का एक दे दूँ? हाँ, एक दे दीजिए. थोड़ा सा इधर मुझे शो भी कराइए. अच्छा, घी एक डब्बा घी दे दीजिए, आधा किलो. 1 किलो समूली घी. इसमें वेजिटेबल भी है, चाहिए आपको? नहीं वेजिटेबल वाला नहीं, एक गाय वाला घी चाहिए. हाँ, चार चाहिए आपको पाकिस्तान का घी है? मैं देखता हूँ, मैं एक सेकंड आके ये चार भी है. जिंजर गार्लिक पेस्ट है कि जिंजर पेस्ट होंगी? सिर्फ जिंजर पेस्ट है उसमें. ये आम का निकाल दीजिए, आम का अचार निकाल दीजिए, तो लगता है कभी कभी दाल उल बनती है ना. माशाल्लाह. अब ये हो गई. 2 आदमियों के लिए सही है. 2 आदमियों के लिए कितना लग जाता है अनुमान से? 2 आदमियों के लिए लग जाता है 10 किलो आटा, 20 किलो चावल. ओके, 10 किलो आटा मोटा पकड़ लें, 20 किलो चावल रख लें. 4-5 किलो की 2 किलो. अच्छा जी, 2 किलो वाली. अच्छा जी, तो ये दालें जो हो गई है आपकी, इसमें मांस की दाल है, उड़द है, वो तो आपने दिखाया नहीं, तुअर दाल एंड मसूर ऑरेंज. और सुना है माशाल्लाह का काफ़ी सेहतवत बना ली है. क्या बात है, पाकिस्तान जाना है क्या अभी? अच्छा, चलें जी। ये दाल हो गई, ये मसूर की दाल है, ये तुअर दाल है और खड़ी मसूर, होल मसूर नहीं लाए, होल मसूर भी दे देंगे ना, किलो तो चलता रहेगा, देख लेंगे बाद में। तंजानिया ये बासमती अपन खाते हैं भैया, तंजानिया वंजानिया बाद में देख लेंगे। अच्छा अच्छा, तो दिखाइए दिखाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका ये कुछ प्राइस में कम है उससे, प्राइस में बहुत डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, सीधे हाफ में है। तो ये हाफ में प्राइस है इसकी, और जो बासमती है थोड़ा सा महंगा है क्योंकि वो इंडिया या पाकिस्तान से आता है, इस वजह से। थोड़ा साबुन उबुन दे दीजिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने दाल और लगा के रखी है, देखिए सारी दालें मिल जाती है यहाँ पे। और ये सब कॉफ़ी है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, ये सब तो मिल जाता है। कुछ भी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, जो चाहिए आप ले लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये छोले हैं, साबुली चने हैं, ये लाल वाले चने हैं, मकई भी है, ये दालचीनी है, ये बेसन है, एक पैकेट बेसन कर लें, कभी पकौड़े पकौड़े खाते हैं ना बना के, बरसात होती है तो। टोमेटो केचप अच्छी वाली कंपनी का दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चिली सॉस होना चाहिए, चिली सॉस हाँ एक डाल दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा मुझे ये लक्स का निकालें, उसमें से लक्स वाला निकाल दें दो। तो यहाँ पे ये साबुन का सेक्शन है। और ये एक ये कोकोनट ऑयल दे दें, हाँ पैराशूट। ठीक है माशाल्लाह, तो लगभग ले लिया मैंने। अब जो बचेगा वो बाद में जाएगा। और कुछ है स्पेशल में, थोड़ा सा हल्दीराम का भुजिया वुजिया दिखा दें, थोड़ा दालमा टोल दे दें हजरत। हल्दीराम का चना, ये चना नट्स दे दें। नवरत्न मिक्स, हाँ बस बस हो गया। तो है डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। बिस्किट थोड़ा सा बिस्किट है कोई, हल्दीराम का बादाम हलवा है, थोड़ा सा करीब लाएँ। ओहो माशाल्लाह, थोड़ा मिठाई भी हमारे मिल जाती है। बस यही है बादाम हलवा ही है, और सोन पापड़ी नहीं। अच्छा जी ओके। मसालों का सेक्शन, इसमें अगर आपको गरम मसाले खड़े चाहिए तो खड़े मसाले मिल जाएंगे आपको। इसमें जीरा है, मस्टर्ड सीड है, काली मिर्च है, और धनिया है, काजू है, बादाम है, मक्का है। यू नो ऑल दोस थिंग नाउ, यू आर नॉट अ बुरुंडियन नाउ यू आर मोहिंदी पापा। ये इलायची है और इनके पास पिसा हुआ आटा है, इनका खुद का चक्की से जो बनाते हैं। और ये शहद है, अचार है, और ये घी है। ओके, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग तो यहीं भी रहते हैं, लगता ही नहीं कि हम बाहर रहते हैं। तो कभी कुछ ज़रूरत हुई बर्तन वर्तन की भी तो देखें, बर्तन वर्तन भी मिल जाता है। और यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, पाम ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं ना, भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अफ्रीका में। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने सजा के रखी है। ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे बिलाल भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे देखने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहुत सारे मुख्तलिफ, लंदन, अमेरिका, दुबई, यहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अफ्रीका कैसा देश है? अफ्रीका आए बुजुम्बुरा, बुरुंडी। तो इसको थोड़ा सा आप लोकल लैंग्वेज में बोले ना, यहाँ की स्वाहिली लैंग्वेज में बोले ना, लोकल लैंग्वेज। हाँ, अब आपको बुरुंडी की तारीफ करनी है लोकल लैंग्वेज में। अच्छा, कैसे आप डील करते हो यहाँ जो लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे आप लोकल लोग आते हैं, आप उनसे लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, तो उस हिसाब से बुरुंडी की तारीफ करो और बुरुंडी को बताओ कि कैसा है स्वाहिली में, अफ्रीकन लैंग्वेज में। अच्छा, वो जो आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जब वो आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, जी जी, जब दोबारा बस वो सामान वामान लेते हैं तो क्या नहीं नहीं ठीक है, चलो वो सामान हो गया, सब सामान वामान। आपको बुरुंडी पे दावत देनी है, अगर मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं आपको, तो आपको उनको वेलकम करना है यहाँ की लैंग्वेज में। अच्छा आप, हाँ ये आप उनको दावत दीजिए। कोई कहेगा ही नहीं भैया आप हिंदी हो, आप तो एकदम ऐसा खतरनाक बोल रहे हो लोकल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज थी? सोहेली है, अफ्रीकन लैंग्वेज सोहेली लैंग्वेज थी। तो माशाल्लाह इनको बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है और ये बहुत ही, यहाँ पे सभी लोग आते हैं, खासकर एशियाई लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, गोरे भी आते हैं, गोरे मतलब बुजुर्गो लोग, और लोकल्स भी आते हैं। और ये हैं फेलिक्स, ये यहाँ पे रहते हैं, ये भी मतलब हिंदी जानने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो हिंदी में अगर आप कोई सामान बोलोगे तो ये सामान निकाल देंगे आपके लिए, दाल चावल रोटी जो भी मसाला धनिया जीरा, ये सब जान गए ये। तो चलिए फिर इतना देख लिया तो कितना कुछ अनुमानता, मतलब अगर मैं पाकिस्तान का या डॉलर में पकड़ूं तो एक महीने की ग्रॉसरी कितने की हो जाएगी? $200 के आसपास हो जाएगी। और पाकिस्तानी रुपीज़ में आप देख लें अभी 150 का, हाँ हाँ 31,000 की ग्रॉसरी हो जाएगी, 2 लोग या 3 लोग रहें तो 2 से 3 लोगों की, मतलब पाकिस्तान के कितने रुपीज़ की? 31,000 की, 31,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर मैं इंडिया के हिसाब से जोड़ूं तो 7 गुना के 14, मतलब हाँ 15,000 16,000 के आसपास इंडिया का हो जाएगा। तो ये है कुछ हिसाब किताब। तो मैंने बहुत सारा कुछ कवर कर दिया और बाकी चीज़ें जो चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इनका रेस्टोरेंट भी है, इनका हेयर कटिंग सैलून भी है यहीं पे, इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो अगर नहीं भी मिलती हैं तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, रब्ता कर लीजिए, वो दिलवा देंगे आपको। चलिए जी, शुक्रिया बहुत बहुत, ओके जी, बस सभी को वो कर दीजिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। ओके आइयो।